अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो जैसा कि आज हम लोग बनाने जा रहे हैं, सना क्या बनाओगे आज आप? हाँ, सना बना रही है आज मैक्रोनी। तो आज हमारी समझ लो कि आज हमारा खाना भी मैक्रोनी है, क्योंकि आज हम लोग खाना कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मैक्रोनी खा के अपना डिश इंजॉय करेंगे। तो ठीक है, सना वो खड़ी हुई है, अभी आपको दिखाता हूँ तो सना क्या कर रही है। तो चले मेरे साथ आप किचन में, हम लोग साथ चलते हैं, किचन में चलते हैं। तो हेलो सना। तो क्या सना, क्या हो रहा है अभी? मैक्रोनी बना रही हूँ, सब बॉईल कर रही है। सना मैक्रोनी की तैयारी कर रही है। अंदर जाओ भाई, अंदर जाओ। तो ये हमारी केटो आई हुई थी गेट पे, तो मैंने कहा आपको केटो दिखा देता हूँ सबसे पहले, तो आप लोग केटो को देख लें और आपको देखना चाह रहे हैं। तो ठीक है सना, आप दिखा दो डिशेस, आपने क्या क्या तैयार की है भाई? दे दे, मैं खुद ही दिखा देती हूँ। हाँ, तो बैक कर लें आप। बैक कर लें। तो चले हम लोग बैक चलते हैं। सो ये देखिए, मैंने 3 अदर टमाटर ले लिए थे और 3 अदर छोटे छोटे वाले नॉर्मल साइज़ वाले, मतलब प्याज, और उसके अंदर मैंने रेड चिली जो है वो कटिंग करके डाल ली थी, ठीक है। और ये सोया सॉस और सिरका वगैरह पड़ा हुआ है। मैक्रोनी बॉईल हो चुकी है, पटाटो बॉईल किए हैं, चिकन बॉईल किया है। हर किसी का अपना स्टाइल होता है, मैं इस स्टाइल से बनाऊंगी। वेजिटेबल्स तमाम नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। और ये मैं पटर 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 कर रही थी, लेकिन बैक से म्यूज़िक आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर दूंगी। अब ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 टेबल नहीं, हाँ ऑयल डाला है थोड़ा सा। और उसके अंदर फिर मैंने प्याज चॉप किए हुए डाल दिए हैं, साथ में चिली डाल दी है जो कटिंग की थी मैंने प्याज के अंदर ही। और ये अब मैंने इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट डाला है। अब इसको मैं अच्छे से हिला रही हूँ, ऑयल गरम करके डाला है ताकि ठंडे पना जो होते हैं ना ऑयल, उसमें प्याज डालने से ब्राउन नहीं जल्दी होते। इंतज़ार हो रहा है मैक्रोनी का, तो सना पता नहीं कब बनाएगी। हाँ, आ जाओ आ जाओ, बताने के लिए आ जाओ भाई, कब बना रही हो? सना आ रही भाई। और माशाल्लाह से देखिए, प्याज कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और जो मिर्चें डाली थी मैंने इसमें वो भी, और बहुत ही माशाल्लाह अच्छा सा लुक लग रहा है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर, पानी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर का ऑलरेडी अपना बहुत पानी होता है। और इसको हिला देंगे और देखते जाएँ फिर आगे तो क्या तो क्या तो क्या। फिर ऐसे करके हम टमाटर को जो है वो मतलब चम्मच की मदद से ही पीस लेंगे। ओके, थैंक यू। और घर का जो झाड़ू होता है वो भी मैं ही लगाता हूँ। वो तो मम्मा लगाती हैं, तो आप थोड़ी हेल्प करते होंगे ना? जी। ओके गाइस, थैंक यू वरम। अच्छा जी, हाँ आप क्या कह रही हैं? अच्छा दे रहा हूँ, रुक जाओ, आप कुछ कह दो। तो फिर वीडियो नहीं बनानी? तो गाइस से बात करें आप? हाया भी काम कर रही है। हाया, माय नेम इज हाया लिखोन। यस, माय नेम हाया। पेंसिल से हाथ चलाओ, ठीक है? देखो इधर पेंसिल कहाँ है, कि वो दे दो। और साथ साथ आपने बच्चों को भी देखा, बच्चे क्या कर रहे हैं। और अब ये देखे, मैं अपना काम भी कर रही थी, आसिफ बच्चों को वीडियो शूट कर रहे थे। तो ये है कि अब देखे, मैंने प्याज के अंदर जो टमाटर डाले थे वो अच्छे से देखे कितने अच्छे से ना ब्राउन हो गया, भुन गया। अब इसके अंदर चिकन डाल दिया है, आलू डाल दिए हैं, और अब इसको मिक्स कर लूँगी। फिर इसके साथ साथ अब इसके अंदर मैं डालूँगी मैक्रोनी। अच्छा, मैक्रोनी लोग ना ठंडे पानी में डाल देते हैं ताकि चिपके नहीं, लेकिन मैं तो नहीं ठंडा पानी इसमें डालती हूँ, अपने अपने मतलब उसके मुताबिक। देखे मैंने ऐसे ही डाला है और चम्मच की मदद से अब आसानी ये खुल गई थी। अब इसको मैं अच्छे से शेक हिला रही हूँ, पता नहीं मेरी ज़ुबान लड़खड़ाई जा रही है बार बार, क्या मुसीबत हो गई, अजीब हाल है मेरा भी। अब इसके अंदर देखिए, मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, और इसके अंदर मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, और ये पहले मैंने सिरका डाला है, मैं भूल गई थी। खैर आप लोग देखते जाए मेरे टशन। ये देखिए चिली गार्लिक सॉस, और इसके अंदर मैंने सोया सॉस भी डाला है। अब देखिए नमक, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्च जो मैंने घर पे ही मतलब के कूट के रखती हूँ, पीसी हुई बाहर से नहीं लेती। काली मिर्च डालूंगी, और अब तो ये क्या ही बात है, इतनी यमी टमी सी, तो यमी टमी सी लगेगी, यमी के साथ टमी फ्री। ओके, अब मैं इसको हिला दूंगी, फ्लेम जैसे ऑन ही है चूल्हे का, और फिर आप लुक तो देख ही रहे होंगे। तो देखिए हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है।
और ये मियाँ जी बैठे हुए हैं, वो पीछे बच्चे खा रहे हैं, तो आप ही और मैं कहा हूँ, मैं वो रही, लोगों ने खाना शुरू करना है। ओके गाइस अभी दे देते हैं, रुक जाओ, लगेगा आपको आया वरना ये ठीक है। तो अब आज से जल्दी से चेक करके बताए कैसी बनी है, व्लॉग का एंड करते हैं। चेक करता हूँ, तो हम लोग खाते हैं, बहुत टेस्टी लगी मुझे, डन हो गया। आपको टेस्टी नहीं लग रही है तो छोड़ दो, जिसको अच्छी नहीं लगती छोड़ दो, अब मैं भी खा के देखती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यम्मी। इसके साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और आप भी ट्राई करें और कमेंट्स, हाँ और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपकी कैसी बनती है। हाँ बिल्कुल, और हम भी कह रहे हैं कि आपकी कैसी बनती है, आप कमेंट्स करके बताएं। आराम अच्छी लग रही है ना आपको, गुड, ओके। तो ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।